हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे मैं जब भी ऐसी कोई वीडियो बनाता हूँ ना, तो मुझे खुद को ब्रेस करना पड़ता है ये सोच कर कर यार इसके साथ लोगों ने एग्री तो करना है नहीं, और उल्टा डिसलाइक भी ज़्यादा होंगे और लोग गालियाँ भी ज़्यादा निकालेंगे। बट फिर भी आई एम लाइक, पूरी बात सुनिएगा, पूरी बात सुनिएगा, समझिएगा, और फिर जो सोचना आप सोच सकते हो। तो जैसे कि हमें पता कि कोविड के कारण बॉर्डर्स बंद किए गए थे, एंड अब धीरे धीरे खोल रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक रीज़न। यहाँ पर कोविड ठीक नहीं हुआ या फिर उसका स्प्रेड कम नहीं हुआ, उल्टा ज़्यादा ही हो चुका है, क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन ईज आउट हुआ और लोग ज़्यादा इन्फेक्ट होने शुरू हो गए सारी दुनिया में, यही सीन चल रहा है। एंड जैसे कि आप सब बच्चों का बस यही है, मतलब कि सितंबर एंड डे की बात हो चाहे कुछ भी हो, आप सभी लोग बायोमेट्रिक BFS की साइट्स, ICRC सब कुछ, CIC की साइट सब कुछ, जितनी भी नोटिफिकेशन पैनल हैं जहाँ से आपको कुछ न्यूज मिल सकती है, आप डेली 15 दिन में 1000 करोड़ बार उनको चेक करते होंगे। मैं नहीं चेक करता, मुझे तो आधे से ज़्यादा बार कुछ पता भी नहीं लगता क्योंकि अपने काम में बिजी होता हूँ। कोई ना कोई बच्चा खुद ही मैसेज कर देता है, सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। तो आप सब जाना चाहते हो कि जी कब जाने को मिलेगा, कब फ्लाइट शुरू होगी, कब वो बायोमेट्रिक हो, कब हम जाएंगे, ये है वो है। पर एक बार सोच के देखिए कि ये कम नहीं हुआ, केसेस उल्टा बढ़ चुके हैं। और जी हाँ, चीज़ें खुलनी हैं क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर है, हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। पर आप शायद, अगर आपका कोई दोस्त हो, फ्रेंड हो, जो भी कनाडा में हो, रिश्तेदार हो, तो उनसे शायद आपने पता भी होगा कि जैसे यहाँ पर काम बंद है, वहाँ पर भी काम बंद है, धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं, बट जो अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स थी, जो सब कुछ था, वो अब वापस नहीं हुआ है ना। और अब सब बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगाना चाहते, ये है वो है। बट मेरा मानना है कि कभी कभी ना हमें कुछ चीज़ें फॉर द ग्रेटर गुड भी करनी चाहिए। सिर्फ अपना सोच के कि मुझे जाना है, बाकी दुनिया जाए ना जाए, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, उस सब उस एटीट्यूड के एकदम साइड करके रखें कि ये चीज़ बढ़ रही है ह्यूमन इंट्रैक्शन से, और जितने ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं। और अगर अगर आप मान लीजिए अब VF सेंटर अब तक तो खुले नहीं यार, ठीक है, जब मैं वीडियो बना अब तक मे भी, जब तक ये वीडियो अपलोड हो मे भी खुल जाए, मे भी ना खुलें, बट अगर खुल जाते हैं, वीज़ा फाइलिंग प्रोसेस शुरू हो जाते हैं और आप ट्रैवल करना चाहते हो, सडनली कंट्रीज अलाउ भी कर देते हैं कि हाँ आप ट्रैवल कर सकते हो, बट आपके पास ऑनलाइन ऑप्शन है फॉर सितंबर एंड फॉर जैन ऑल्सो, पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो उससे नुकसान किसका हो रहा है? आपका। आपको फ्लाइट की टिकट्स जो हैं ऑलमोस्ट आई थिंक डबल के प्राइस में मिल रही हैं। फर्स्ट आपको काम नहीं मिलना, लाइक आपके फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, शायद आपको वो बताते भी हों आपको काम इतना। अगर आप ये सोच के जा रहे हो मैं वर्क कर लूँगा, कमाई कर लूँगा एंड ऑल दैट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है बट काफ़ी कम है। चीज़ें वापस बैक टू नॉर्मल होते होते टाइम लगेगा, ठीक है। आपके अकोमोडेशन भी एक्सपेंसिव है, उल्टा आप जो GIC के पैसे अगर आप यहाँ पर पढ़ लें, एटलीस्ट एक सेमेस्टर आप यहाँ पर पढ़ लो अपना ऑनलाइन, आप अपने GIC के पैसे तो बचा सकते हो, बट वहाँ जाकर आपको सर्वाइवल के लिए आपकी GIC ही स्पेंड करनी पड़ेगी। मे बी आपका कोई रिश्तेदार है, मे बी आपका कोई फ्रेंड है जो आपको फ्री में रहने देगा, पर कितनी देर तक? खाना तो आपको खुद ही खाना पड़ेगा, ट्रैवल तो आप खुद करोगे, ऐसे तो है नहीं आप कमरे में बैठे रहोगे। अगर कमरे में बैठे हैं यार सिर्फ, तो यहाँ पर बैठ जाओ, एटलीस्ट अपना घर तो है, एटलीस्ट कोई और एक्सपेंस तो नहीं कर रहे आप। मुझे पता आप इस चीज़ के साथ कोई एग्री नहीं करने वाला, बट अगर हम रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, आप पैसे बचा रहे हो, मोर ओवर आप ये चीज़ स्प्रेड होने की प्रॉबिबिलिटी कम कर रहे हो। हाँ, सभी दुनिया में सभी जो साइंस लाइक इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो वैक्सीन्स बना रही हैं, बट एक वैक्सीन तो बनते बनते टाइम लगता है। मान लेते हैं कि जी सितंबर तक आ भी जाता है, बट वो एकदम इतने लाखों आई थिंक करोड़ तक पहुँच गए होगी अब तो मैंने चेक भी नहीं किया, बट इतने ज़्यादा लोगों को रातों रातों वो वैक्सीन लगा के ठीक करने से रहे ना, इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन है। अगर मान भी लेते हैं सितंबर तक आ भी जाता है, तो ठीक होते होते सबको क्योर होते होते आई थिंक, अगर मैं जल्दी से जल्दी भी सोचूं, मे बी मई तक लग जाए, मे बी मार्च तक लग जाए, तो ठीक तो तब भी नहीं होना, इन्फेक्ट होने के चांसेस फिर भी आपके हैं। और ये तो है नहीं कि सभी जगह ये चीज़ मिल जाएगी आपको, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन दुनिया की इतनी अच्छी है नहीं, चाहे जिस मर्जी कंट्री में चले जाओ। उल्टा आपको पैसे का नुकसान भी कर रहे हो और कहीं ज़्यादा एक रिस्क बढ़ा रहे हो कि आप इन्फेक्ट हो सकते हो और आप अपनी जान गंवा सकते हो। तो एक रिक्वेस्ट ये, बाकी देखो ये करनी अपनी अपनी मर्जी सबने, बट अगर आप अपना सेमेस्टर मान लीजिए सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सोच के देखिए अगर आप एग्री करते हो तो अपना सेमेस्टर आप यहाँ से, एक सेमेस्टर हम यहाँ से पढ़ भी लेते हैं, 6 महीने यहाँ पर कर भी लेते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
तब तक चीज़ें शायद चांसेस हैं कि अब जो कंडीशन है इससे काफ़ी बेटर हो जाए और आपके लिए सेफर इन्वायरमेंट भी हो, आपका जो एक्सपेंस है ट्रैवल करने का वो भी कम हो जाए, आपके अकोमोडेशन का जो एक्सपेंस है वो भी कम हो जाए और आपको जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाए। जी हाँ, एकदम से बैक टू नॉर्मल नहीं होने वाला 6 महीने में भी, बट हाँ आज से तो शायद थोड़ा बेटर हो जाए अगर हम सब इस चीज़ को रोकते हैं, क्योंकि यही सारा रीज़न था लॉकडाउन का और इसी वजह से चीज़ें सब कुछ रोकी गई थी। और अब भी आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ को अभी के लिए आप रुक सकते हो और आप इस चीज़ को स्प्रेड होने से रोक सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं सुनते, काफ़ी लोग इस चीज़ के साथ एग्री भी नहीं करेंगे, तभी तो रोड में घूम रहे हैं, क्योंकि जितने लोग जनता रोड पर है उसमें से आई थिंक 60% को काम होगा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मानते हैं, बाकी 40% वेली घूम रहे हैं। पता है सबको पता है, आंटी वेली गले मार रही हैं, गप्पे मारने लगी हुई हैं, बच्चे फ्री अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं गलियों में और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा। मैं यार हमारी लाइक मेरी फैमिली बिजनेस है, वहाँ पर मैं लेबर को खुद दूर करता रहता हूँ, कोई नहीं करता, लेबर्स आ रही हैं सब कुछ, इधर उधर लोग जा रहे हैं, फिर टेम्परेचर चेक करने से थोड़ी पता लग जाएगा किसी को है इन्फेक्शन कि नहीं इन्फेक्शन, उल्टा हम जानकर रिस्क ही बढ़ा रहे हैं। जिनको ज़रूरत है, जिनको काम पर आई हुई है वो कर सकते हैं, बट आप लोग अभी थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं और अगर आप एग्री करें इस चीज़ के साथ तो अवॉइड करके देखें, आपकी जान बचेगी, चीज़ें जल्दी ठीक होंगी और तो कुछ नहीं है, बाकी आपकी मर्ज़ी है जो करना कर लो, मेरा ओपिनियन था। मुझे पता है इसके साथ काफ़ी लोगों ने अग्री तो करना है नहीं, बट आई थॉट बोलना चाहिए। एंड अगर आपको ठीक लगा तो लाइक कर देना, डिसलाइक तो वैसे भी कर देना सबने, बट लाइक कर देना अगर सही लगा हो, एंड अगर सही लगा हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा हूँ, वहाँ पर मैं डेली लाइव होता हूँ, तो कोई भी क्वेश्चन हो कुछ भी हो ऑनेस्टली जितना हो सके मैं करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। एंड ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।